नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है फोर्थ आई न्यूज के इस वेब पोर्टल पर। दोस्तों, जो कांग्रेस को ये बम्पर जीत मिली है उसका अनुमान किसी भी नेता को नहीं था। जो कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर हैं उनको भी इस चीज़ का अनुमान नहीं था कि उनको इतनी बड़ी जीत मिल जाएगी। और हम आपको यहाँ बता दें कि जो ये जीत मिली है इसमें नए नवेले विधायकों के साथ साथ पुराने विधायक भी जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन सबको भी बहुत बड़ी जीत मिली है। ऐसे में अब पार्टी के सामने बहुत बड़ा संकट ये आ गया है कि जो मंत्रिमंडल है वो उसको बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है। यहाँ पर अगर सीएम पद के लिए बात ही करें तो एक नहीं चार चार नाम यहाँ पर सीएम पद के लिए है। मंत्रिमंडल को लेकर भी जाहिर तौर पर अंदरूनी जो सूत्र हमें बता रहे हैं अंदरूनी तरीके से यहाँ पर खींचतान मंत्रिमंडल को लेकर भी शुरू हो गई है, क्योंकि जो नए विधायक हैं वो शायद थोड़े से ठंडे पड़े हुए हैं क्योंकि वो पहली बार आए हैं। चाहे वो पिछले चुनाव में हारे हुए नेता हों लेकिन इस बार चुनकर आए हैं, लेकिन वो पार्टी में अच्छा रसूख रखते हैं, तो उनके बीच भी यहाँ पर खींचतान मची हुई है कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा। खैर, आज हम आपको बता रहे हैं कि जो ये 2018 का विधानसभा चुनाव था इसमें जो सबसे बड़े मार्जिन से टॉप 10 विधायक जीत कर आए हैं उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। शुरुआत हम 10वें नंबर से करते हैं। दसवें नंबर पर यहां पर जीत के मार्जिन में है 44,105 वोटों से जिन्होंने जीत दर्ज की है वो है डॉक्टर प्रेम साय टेकाम। इन्होंने भाजपा के जो राम सेवक पैकरा हैं जो गृह मंत्री थे और उनको इतने बड़े मार्जिन से हराया है। यहाँ पर सिहावा सीट से हैं डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पिंकी शिवराज शाह को 45,436 मतों के बड़े अंतर से यहाँ पर उन्होंने हराया है। आठवें नंबर पर हैं अजीत जोगी। उन्होंने भाजपा की अर्चना पोर्ते को 46,462 मतों से हराया है और ये मरवाही से चुनाव लड़े थे अजीत जोगी। इन्होंने बड़े अंतर से अर्चना पोर्ते को हराया है। चलिए अब सातवें नंबर की बात करें तो सातवें नंबर पर हैं कांग्रेस की ही शकुंतला साहू। ये कसडोल विधानसभा क्षेत्र से खड़ी हुई थी और लगता है यहाँ पर जनता ने गौरी शंकर अग्रवाल को बहुत बड़े मार्जिन से हराने का मन बना लिया था। यहाँ पर शकुंतला साहू ने गौरी शंकर अग्रवाल को 48,418 मतों से यहाँ पर उनको हराया है। किस्मत लाल नंद, ये सरायपाली विधानसभा सीट से खड़े थे। ये कांग्रेस के नेता हैं और इन्होंने श्याम तांडी को जो भाजपा से थे उनको हराया है 52,288 मतों से। जी हाँ, पांचवें नंबर की बात करें तो पांचवें नंबर पर है उत्तरी जांगड़े जो सारंगढ़ विधानसभा सीट से खड़े हुए थे और उन्होंने केरा बाई मनहर को जो कि भारतीय जनता पार्टी से है उनको हराया है 52,389 मतों से। चौथे नंबर की तो चौथे नंबर पर है कांग्रेस के ही कुंवर सिंह निषाद। ये गुंडरदेही विधानसभा सीट से खड़े हुए थे और इन्होंने भाजपा के दीपक ताराचंद साहू को 55,394 मतों से इन्होंने हराया है। तीसरे नंबर की करते हैं, तीसरे नंबर पर हैं द्वारिकाधीश यादव जो खल्लारी विधानसभा सीट से खड़े हुए थे और इन्होंने मोनिका दिलीप साहू को जो कि भारतीय जनता पार्टी से थी उनको 56,978 मतों से हराया है। दूसरे नंबर पर कौन है इसकी अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर है राजिम विधानसभा सीट से अमितेश शुक्ल। अमितेश शुक्ल ने संतोष उपाध्याय को हराया है 58,132 मतों से।
चलिए अब बात करते हैं जीत के मामले में नंबर वन कौन रहा। नंबर वन पर रहे कवर्धा से जो विधायक चुनकर आए हैं अकबर भाई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अशोक साहू को 59,284 के बड़े अंतर से उन्होंने यहां पर उनको मात दी है। तो आपने देखा ये टॉप 10 वो विधायक थे जिन्होंने बड़े मार्जिन से अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनको मात दी है। और अगर मरवाही की विधानसभा सीट छोड़ दी जाए तो यहां पर सभी के सभी जो टॉप 9 यहाँ पर सभी के सभी जो विधायक है वो कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के विधायकों ने यहाँ पर बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। और आने वाली सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपने मंत्रिमंडल का जो गठन करना है उसे वो किस आधार पर करे, क्योंकि यहाँ पर सारे दिग्गज बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप हमें नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, किस तरह की जानकारी लेना चाहते हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप लगातार अगर हमारा चैनल देखते हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि जो भी हमारी अपडेट्स हैं वो लगातार आप तक पहुँचती रहे। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी हमारा पेज लाइक और हमें फॉलो कर लीजिए।